अस्सलामुअलैकुम, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। हम आज बनाने वाले हैं इफ्तार स्पेशल रेसिपी, समोसा पिनव्हील्स बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कलौंजी ली है और 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे इसमें। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, इन सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब थोड़े थोड़े पानी का यूज़ करते हुए हम डो गूंद लेंगे। हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो नहीं चाहिए, हार्ड डो चाहिए, तो सख्त डो गूंद कर हम रेडी कर लेंगे। एक साथ अब ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके गूंद लीजिए। तो ये देखिए, मैंने डो गूंद लिया है, इसको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देना है। तो इसको कवर करके रख देंगे साइड में। अब हम फिलिंग बना लेते हैं। 2 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाने तक और इसमें खुशबू आने लगे तब तक हम इसको भून लेंगे। अदरक लहसुन हमारा भून चुका है। ये 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ धनिया ले लिया है, इसको दरदरा सा मैंने कूट लिया है। दरदरा सा कूट के डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हल्का सा सॉटे करने के बाद अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। ये 2 बड़े साइज के आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करके इसको अच्छी तरह से मैशर से मैश कर लिया है मैंने। तो सारे आलूओं को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी, वो भी फ्री में। आलू ऐड करने के बाद 1/2 कप मैंने बॉईल की हुई चिकन ली है, उसको श्रेड करके डाल देंगे। ये सारे 1/2 टीस्पून मसाले हैं, हल्दी, गरम मसाला, तेज़ वाली लाल मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला और नमक 1 टीस्पून लिया है। चाट मसाले में भी नमक होता है तो आप नमक टेस्ट करके डालिएगा। अब इन सारे ड्राई मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इस तरीके से मैश करते हुए इसको मैंने भुना है। अब इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारी फिलिंग बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। ये मैदा ले लिया है 2 टेबल स्पून, इसमें पानी डालेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करेंगे, डायरेक्ट ज़्यादा पानी डालने से लम्स हो जाएंगे इसमें। ये हम स्लरी बना रहे हैं जिसमें डिप करके पिनव्हील्स को हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैंने स्लरी बना ली है, पतली इस तरीके की। आप चाहें तो थोड़ी गाढ़ी भी कर सकते हैं। तो आधा घंटा हो चुका है डो हमारा अच्छी तरह से रेस्ट होते हुए। अब हम इसको रोल कर लेंगे। इस पर मैदा वगैरह बिल्कुल डस्ट नहीं करना है, ना ऑयल लगाना है, ना आटा इस पर लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से रोल कर लेना है हमें। तो ये देखिए, इतना मोटा रखा है मैंने इसको और रोल कर लिया है। अब जो हमने फिलिंग बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। फिलिंग आपकी पूरी तरह से ठंडी होनी चाहिए और ये काफ़ी टेस्टी और मज़े का बनता है। इसका टेस्ट बिल्कुल समोसे जैसा होता है, बट चिकन डालने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। जब आप इसको बना कर खाएँगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। ये समोसे तो आपने बहुत खाए होंगे, बट पिनव्हील्स समोसा बना कर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो ये देखिए, इस तरीके से फिलिंग्स हर तरफ आपकी एक जैसी होनी चाहिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते इसको रोल कर लेना है, ये देखिए, और हल्का हल्का सा इस तरीके से रोल कर ले ताकि जो ये चिपक जाए अच्छी तरह से इसकी किनारी। अब सेंटर से मैं इसको कट कर ले रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है रोल, इसलिए सेंटर से पहले कट कर लिया है मैंने। अब एक एक पीस हम इसके कट कर लेंगे, पिनव्हील्स के शेप दे देंगे इसको। आगे मैं आपको बताऊंगी, इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं 1 हफ्तों के लिए। तो आप कैसे इसको फ्रीज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे पिनव्हील्स आप कट कर लीजिए।
ये देखिए पीन व्हील्स कट हो चुके हैं। इनको कट करते वक्त ये थोड़े से नीचे से दब गए हैं, तो हल्के हल्के से हाथ से आप इसको राउंड शेप दे दें, बिल्कुल हल्के हाथों से देना है। तो ये देखिए इस तरीके का जिप लॉक बैग ले लिया है मैंने। ये सारे हम फ्राई करेंगे और जो बाकी बच गए हैं इनको फ्रीज कर सकते हैं आप एक हफ्तों के लिए। इस तरह से एयरटाइट कंटेनर ले लें या जिप लॉक बैग ले लें, इसमें आप इनको डाल के फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं और जब आपको खाना हो तो इफ्तार टाइम पर आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं। तो ऑयल को मैंने गरम कर लिया है, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और एक एक पीन व्हील्स को जो हमने स्लरी बनाई थी उसमें डिप करके फ्राई कर देना है। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे क्योंकि ये आटा मैदे का कच्चा है तो ये अंदर तक कुक होना चाहिए और क्रिस्पी बनने चाहिए, इसलिए हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और ये अंदर तक फ्राई भी हो जाए। तो ये देखिए एक एक करके सारे मैंने डाल दिए हैं, अब इनको फ्राई होने देंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, मैंने दोनों साइड से साइड चेंज करके इनको फ्राई कर लिया है। इनको अब हम निकाल लेंगे किचन टॉवल पर। बहुत ही अच्छे बने हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इफ्तार टाइम पर बनाकर। तो ये देखिए बहुत ही मज़े के हमारे पिन व्हील समोसा बनकर रेडी है। अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।